पेड़ों का जो अवैध कटान हुआ है उसमें इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सराज वन मंडल के सुरागशिव जंगल जिसमें सालबेज का टेंडर 2 वर्ष पहले लगा था और अभी मामला ध्यान में आया कि वहां पर जो 836 पेड़ जो सूखे पेड़ काटने की अनुमति थी वहां पर लगभग 400 से ज्यादा हरे पेड़ काटे गए। जब लोगों ने ये मामला ध्यान में लाया तो मैंने भी मौके पर पहुंचने का प्रयास किया और मैं भी वहां पर गया तो मैंने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखा कि बहुत हरे पेड़ वहां पर काटे गए हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, अब विभाग के ध्यान में जब ये बात लाई और जब हमने सारी कि किस ठेकेदार को दिया गया था उस चीज में जानना चाहा तो ये मामला 16 अगस्त को मेरे ध्यान में आया और उसके बाद जब मौके पे जाने के बाद जब हमने सारी इंक्वायरी अपने लेवल पे की, ग्रामीणों के साथ हम मौके पे गए, वहां के फोटोग्राफ कलेक्ट किए और सारी जानकारी लेने के बाद विभाग ने आनन फानन में 10 पेड़ों की FIR की उसी शाम को जिस दिन मैंने मीडिया के सामने ये मुद्दा उजागर किया। और जंगलों में हो रहे इस तरह का अवैध कटान निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। इसको रोकने के लिए हमें ठोस उपाय करने चाहिए। अब विभाग उसमें आनन फानन कर रहा है, इस मामले को दबाना चाह रहा है, ठेकेदार को बचाना चाह रहा है। जब मैंने ठेकेदार का पता किया तो वो कुल्लू से एक कांग्रेस का नेता है, पिछली बार सरकार में उसको एक ITI में वहां पर उसकी जो IMC कमेटी बनती है उसका चेयरमैन बनाया गया है। सत्ता का इतना प्रभाव हो गया कि जंगलों में हरे पेड़ काटे गए और ये बहुत जो सुरागशील जंगल है ये बहुत जलोड़ी जोत के साथ लगने वाला क्षेत्र है, इधर को गारक श्रेणी का क्षेत्र है, सोजा के सामने वाला क्षेत्र है और लगभग 600 से हेक्टर में यह फैला हुआ क्षेत्र है। तो मैं आपके ध्यान में मामला लाना चाहता हूं और साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 5 बजे दोबारा वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मौके पे जाकर के पंच और सेफ्टी जाकर के मौके पे जाकर के जियो टैगिंग करते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं। लेकिन प्रदेश की इतनी बड़ी संपत्ति, इस पे फॉरेस्ट विभाग के पास कोई इसका मैकेनिज्म नहीं है, ठीक से SOP नहीं है, एक एक पेड़ की जियो टैगिंग इसमें होनी चाहिए। मैं इसमें कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि आने वाले समय में एक तो मेरा एक निवेदन रहेगा कि जितने भी अन्य जगह ये टेंडर लगे हुए हैं उसकी भी आज इसी सदन के बाद सबकी इंस्पेक्शन की जाए कि 25 जगह कुल्लू में और काम लगे हैं, वहां भी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। 100 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में हो इस सालबेज के टेंडर लगे हैं ठेकेदार, ये मेरे बहुत अधिकारियों से बात हुई, ग्रामीणों से बात हुई तो ये सालबेज के नाम पर ये एक प्रोसेस चला आ रहा है, उसमें हरे पेड़ निश्चित तौर पर काटे जाते हैं, इसलिए इस पर कोई ठोस नीति बनाने की जरूरत है। इस पे एक ठोस नीति बनाने के बाद इस हरे पेड़ों को कटान से कैसे बचाया जा सकता है इस माननीय सदन में उसमें विचार करना है।